प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभात खबर। देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की 43वीं सालाना बैठक हुई। कंपनी के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने इस बैठक को लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए संबोधित किया। एजीएम की खास बात ये रही कि इसे नीता अंबानी ने भी संबोधित किया। ये उनका एजीएम में पहला संबोधन था। इस सालाना मीटिंग में मुकेश अंबानी ने कई बड़ी घोषणाएं की। आइए आपको प्रमुख घोषणाओं के बारे में बताते हैं। मुकेश अंबानी ने कहा कि हम अगली कुछ तिमाहियों में रिलायंस रिटेल में वैश्विक साझेदारों और निवेशकों को शामिल करेंगे। अंबानी ने कहा कि हमने किराना भागीदारों के साथ जियो मार्ट किराने के मॉडल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। जियो मार्ट किराने के प्लेटफॉर्म का बीटा संस्करण 200 शहरों में चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसानों को साथ में जोड़ना और उनकी ताजा उपज सीधे घरों तक पहुंचाना कंपनी की किराना रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मुकेश अंबानी ने जियो टीवी प्लस लॉन्च करने का भी ऐलान किया। इस सेवा के जरिए कंपनी यूजर्स के टीवी देखने का अंदाज बदलने वाली है। जियो टीवी प्लस खास किस्म की तकनीक पर काम करता है। इसमें दिए गए जियो रिमोट से आप आसानी से अपना फेवरेट कंटेंट सर्च कर सकते हैं। जियो टीवी में हर जॉनर के प्रोग्राम मिलेंगे और उन्हें वॉइस कमांड देकर भी सर्च किया जा सकता है। मुकेश अंबानी ने नई ई कॉमर्स कंपनी जियो मार्ट के बारे में कहा कि इस पर ग्रॉसरी के साथ साथ अब इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन, फार्मा और हेल्थ केयर से जुड़ी चीजें भी मिलेंगी। मुकेश अंबानी ने इस बात का भी ऐलान किया कि जो लोग जियो मार्ट पर पहला ऑर्डर करेंगे उन्हें फ्री में कोविड केयर किट दी जाएगी। जियो एजीएम की खास बात ये रही, नीता अंबानी ने भी संबोधित किया। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा कि जियो 5G पर काम कर रहा है। जैसे ही 5G स्पेक्ट्रम आएगा वैसे ही इसका ट्रायल शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि जियो के सालाना कार्यक्रम में जियो गूगल मिलकर भारत को 2G मुक्त बनाने पर काम करेंगे। मुकेश अंबानी ने रिलायंस की एजीएम को बताया कि जियो प्लेटफॉर्म पर एक नए सदस्य गूगल की एंट्री हुई है। उन्होंने बताया कि दुनिया के सबसे बड़े सर्च इंजन और आज के समय में हम सब की जरूरत में शामिल गूगल जियो प्लेटफॉर्म में 7.7% हिस्सेदारी के लिए 33,737 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। मुकेश अंबानी ने आगे बताया कि इसके साथ रिलायंस अब तक जीरो नेट डेब कंपनी बन चुकी है। मुकेश अंबानी ने जियो प्लेटफॉर्म पर फेसबुक, गूगल, इंटेल, क्वालकॉम जैसे टेक दिग्गजों के साथ सिल्वर लेक, केकेआर और टीपीजी जैसे इन्वेस्टर्स का भी स्वागत किया। रिलायंस की 43वीं एजीएम को संबोधित करते हुए कंपनी के चेयरपर्सन मुकेश अंबानी ने रिलायंस जियो के नए प्लेटफॉर्म जियो मीट के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि जियो मीट भारत का पहला क्लाउड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म है। इसे अब तक 5 मिलियन बार डाउनलोड किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि रिलायंस की एजीएम 2020 को जियो मीट पर होस्ट किया जा रहा है। बता दें कि ये प्लेटफॉर्म जूम, गूगल मीट जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप्स की तर्ज पर डेवलप किया गया है। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। झारखंड और बिहार समेत देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहिए प्रभात खबर के साथ। धन्यवाद। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नई।